हेलो ब्रो, माइक ऑफ है यार। हक दिया। हेलो ब्रो, हाँ साउथ भाई, सब कैसे ब्रो, बढ़िया। क्या हाल है? एकदम बढ़िया साउथ भाई। गेम प्ले मैं देख लिया तुम्हारा, अच्छा खेल रहे थे। अब तुम्हारी असली टेस्टिंग की बारी आती है, गिल्ड के प्लेयर के साथ तुम्हारा 1v1 होगा। क्या तुम रेडी हो 1v1 के लिए? अरे रेडी, कौन कौन सी गन चलाने वाले हो उस मैच के अंदर? बस अपना डिजर्ट ईगल, डिजर्ट ईगल। और बाकी गन्स का क्या होगा? अरे चलाऊंगा पर थोड़ा रुक के। हाँ ओके, तो डेजर्ट ईगल चलाने वाले हो, तो चलिए आपके एक बेहतरीन मैच होने वाले। वैसे आप हो कहाँ से? यूपी से, उत्तर प्रदेश में? कहाँ यूपी, से? उत्तर प्रदेश। मतलब क्या बोला तूने? उत्तर प्रदेश मतलब शाबाश बेटा। क्या बोल रहे हो कुछ तुम? नहीं, बस घूमते खाते। एज कितनी है आपकी? अरे एज बहुत कम है। कितनी? अरे एज बहुत कम है। अरे फिर भी कितनी है आपकी? आप तो लड़कियों की तरह छुपा रहे हो। नहीं मतलब आधार कार्ड पे या मतलब रियल में बताऊं? रियल में जो है आधार कार्ड में 22 साल है और रियल में 14 साल, चौदह पंद्रह भाई, हद कर दी भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मैं बंदा बुलाता हूँ आपको, 1v1 खेलना है। रेडी हो? रेडी। अब ये बताइए पहले, इस नाम का क्या रीजन, आपने नाम क्यों रखा पागल M10 मिलियन? अरे भाई वो हमारे गिल्ड में मतलब काल आर्मी में था, उसने मतलब आईडी लॉगिन करके पागल इंटर्न रख लिया। अरे चलो भाई, डायमंड कितना चल रहा है। यस ब्रो, अपना नेम चेंज कर लेना, बेटर रहेगा, जो अपने नेम के साथ खेलो, ठीक है ना? सो गाइस, हमारे पास आ चुके हैं एक तरफ सस्ता पागल M10, दूसरी तरफ एनजी एलिवेटर। ये फाइट होगी 1v1 की। मेरे से तो काफी तगड़ा खेला ये लड़का, पर अब इसकी असली फाइट होने वाली है। क्या इसके अंदर वो जज्बा है गिल्ड माने का या फिर नहीं, देखेंगे जरूर। इंस्टाग्राम से लिया हुआ ये सितारा क्या चमकेगा या फिर फीका पड़ जाएगा। चलिए यहाँ पे झंडे गाड़ दिए स्टार्टिंग में ही एलिवेटर के सामने, पर एलिवेटर भी कम नहीं है। एलिवेटर भी बताएंगे कि झंडे आखिर में कौन गाड़ेगा। एलिवेटर की रफ्तार और मूवमेंट जिस हिसाब से दिन पे पड़ती दिन बढ़ती हुई जा रही है, ये बंदा बहुत तेज होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। भाई क्या ही मूवमेंट दिखा रहा है लड़का, लग रहा है जैसा कोई पीसी प्लेयर। सो पर पागल M10 1v1 ने क्या ही मारा भाई। ये सेकंड राउंड शिपयार्ड की तरफ है और लास्ट राउंड इतना लंबा खिंच चुका है कि बंदे मार ही नहीं रहे एक दूसरे को। भाई लगा था जैसे पड़ गया जिया। M10 के हाथों में M87, एलिवेटर के हाथों में डेजर्ट ईगल। बिना बैक के एलिवेटर कल इसकी नॉक होने वाली है इस मैच के अंदर। और एक तरफ भारत का उभरता हुआ नया सितारा कह सकते हैं, पागल M10 कह सकते हैं, जो कि उभर भी सकते हैं, बिखर भी सकते हैं, पर एलिवेटर भारत का चमकीला सितारा जिसके पास एक्यूरेसी 90.99% है कह सकते हैं। फिलहाल देखेंगे क्या कुछ करने वाले हैं। फाइट 1v1 की काफी लंबी खिंच रही है। M10 यहाँ पर पूरा टाइम बाय कर रहा है अपने लिए, पर एलिवेटर को भी पता ही है मैच निकालना पड़ेगा अन्यथा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पेस्ट उड़ाई है यहाँ पर, 2 शॉट है, लगातार शॉट कनेक्ट होने वाले। चलिए देखते हैं एलिवेटर 1v1 जोन आ चुके हैं और यहाँ पे M10 को जोन आने अपनी ग्लोबल में टकते हुए नजर आ रहे हैं। एलिवेटर सामने ये शॉट किसको भाई, लगा था जैसे कनेक्ट हो गया। भाई क्या होगा इस मैच के अंदर देखेंगे जरूर। फाइट 1v1 की काफी लंबी और भाई कितना शॉट में मार दिया भाई, मेरे को नशे से कर दिए साइड शॉट ने। जी हाँ, थर्ड राउंड के अंदर हम फिर से आ चुके हैं। एलिवेटर ऑन फायर, अलग लेवल पर गेम प्ले कर रहे हैं एलिवेटर इस वक्त इस मैच के अंदर। फाइट 1v1 की काफी जबरदस्त। क्या एलिवेटर के फिर से शॉटगन के शॉट कनेक्ट होंगे या फिर नहीं? जी हाँ, मूवमेंट और रफ्तार और एक्यूरेसी होल हर एक चीज बंदे के पास है। एलिवेटर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इंडिया सर्वर के अंदर उभरता हुआ और यहाँ पे काफी तगड़ा खेलते हैं और फोन के अंदर। जी हाँ, फोन प्लेयर है। आप सभी को कहीं पीसी प्लेयर ना लग रहा हो क्योंकि इसकी मूवमेंट कुछ ऐसी ही दिखती है और हेडशॉट भी कुछ ऐसे ही गदर मारता है। और क्या बात है, 2-1 से लगातार वापसी करते हुए नजर आएंगे एलिवेटर। क्या पागल M10 1M वापसी करेंगे इस मैच के अंदर या फिर नहीं? चलिए देखते हैं प्लेयर्स फिर से तैयार इस मैच के अंदर। एलिवेटर सामने से पागल M10 गिल्ड की टेस्टिंग के लिए जान लगा रहे हैं। प्लेयर मेरे को इंस्टाग्राम से मिला है, मैं इंस्टाग्राम पर टीम कोड दे देता हूं और वहां पे ऐसा उभरता उभरता टैलेंट मिल जाता है कि सिर्फ हेडशॉट के बिना बात ही नहीं करता। और क्या शॉट था ये मैच, 2-2 पे 1 सेकंड में राउंड खत्म यार। चलिए फाइट फिर से स्टार्ट है, 5वें राउंड M10 जाग। अरे 2 शॉट, 2 शॉट चला यहाँ पे M10 ने, शायद एक्यूरेसी अब गड़बड़ा रही है। जब सामने बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, जब सामने बड़ी बड़ी गिल्ड के प्लेयर के सामने आप टेस्टिंग देने जाते हो, हाथ के हाथ हाथ भी कांपने लगते हैं, दिल क्या हाथ भी कांपने लगते हैं आपके। और यहाँ पे वही दिख रहा है, M10 की एक नहीं 2-2 गोलियां चल रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा। पर एलिवेटर ने क्या ही जबरदस्त हेडशॉट मार दिया भाई,
आवाज नहीं आई गोली की मेरे को बिल्कुल भी, सीधा हेड हेलमेट तोड़ा गई। पर मैच अभी भी वन ऑन वन था, मैच भी 2-on-2 आ चुका है। क्या पे ये बंदा जीत कर जा पाएगा इस मैच के अंदर या फिर नहीं, चलिए देखते हैं। फिर से तैयार होने वाले प्लेयर्स, या ग्लू बॉल हटी है और दुर्घटना घटेगी या फिर बचेगी कहीं से, भाई कुछ भी हो सकता है। पर M10 जिस हिसाब से M10 से हेड पे हेड मार रहे हैं पहली बेटर, आज गलत फंसते हुए नजर आ रहे हैं गेस में दिस प्लेयर। चलिए दो प्लेयर अंदर आ चुके फाड़े के अंदर, फिर से यहां वन ऑन वन की फाइट, जोन छोटा होता हुआ जा रहा है। क्या M10 भारी पड़ेंगे या फिर एलिवेटर के हेड शॉट्स पड़ते हुए नजर आएंगे इस मैच के अंदर। दो शॉट काफी तगड़ी चलाते हैं एलिवेटर और मूवमेंट इतनी तेज बस पूछो मत। चलिए यहां पे मूवमेंट की बात ही आमने सामने लड़ाएंगे, पर एलिवेटर का ये जो शॉट था चलिए केप टाउन का ये राउंड, दोनों शेर फिर से तैयार एक दूसरे को खाने के लिए। पर एलिवेटर की फॉर्म अब नेक्स्ट लेवल होती हुई जा रही है हर राउंड पे राउंड। जिस हिसाब से M10 का हेड मारा सच में चौंका दिया भाई मेरे को, शॉर्ट रेंज में हेड तक सच में ये मौका बनता था पागल M10 का हेड मारने का एलिवेटर को, ये मिस किया इन्होंने। अब इस चीज का नुकसान ज्यादा हो गया फिर कम पता चलेगा इसी राउंड के अंदर। चलिए देखते हैं एलिवेटर, चलिए देखते हैं फाइट वन ऑन वन की। एलिवेटर साइलेंसर शॉट मार रहा है, साइलेंसर शॉट मार रहे हैं। चलिए M10 देख लेते हैं काफी शॉट लिए दो पर, तीसरा भी मिस, चौथा मिस, दोनों प्लेयर शॉट पे शॉट मिस कर रहे हैं। यहाँ पे बताता है कि मजेदार मैच होने वाले, दो शॉट चला दे रहे हैं पागल M10 बार बार बीच में, ये चीज देख रहा हूँ। तो इनको थोड़ी मूवमेंट और कंट्रोल पर काम करना पड़ेगा, इसी वजह से मेरे थोड़े से मेरे दिमाग से उलझल से लग रहा है। आप लोग गाइस कमेंट करके बताओ इसका गेम प्ले आपको कैसा लग रहा है, खतरनाक है या फिर कुछ चीजें गलतियां दिख रही है आपको, यानी जैसे मैं देख पा रहा हूँ। तो कमेंट करके जरूर बताओ, नीचे कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को प्लीज ऑल पर सेट कर देना, जो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिले, बिल्कुल फ्री है। और वीडियो के धमाकेदार वीडियो के मजे लो, चलिए देखते हैं। एलिवेटर, चलिए देखते हैं फिर से हम तैयार प्लेयर्स कंटिन्यू फाइट ले रहे हैं इस राउंड के अंदर। एलिवेटर और M10 की फाइट काफी जबरदस्त चल रही है, मुकाबला रोमांचक चल रहा है। पर यहाँ पे एलिवेटर काफी खतरनाक है, भाई ये कैसा है किधर भी, भाई एलिवेटर ड्रैगन ऑप्शन नहीं मानना है, मार देगा वो। 200 चला रहा है बंदा सामने वाला M10, ये थोड़ा सा इनका आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है या फिर मेरे को 200 की आवाज आई या फिर 1 था शायद रिलोड कर रहे हो तो शॉट मार के, तो इनके 200 चल जा रहे हैं। कभी कभी नर्वसनेस साफ झलक रही है इस बंदे के अंदर, यानी प्रेशर ले रहा है। बड़े मुकाबले के हिसाब से थोड़ा सा फंसे गए प्लेयर, इस बंदे को थोड़ा सा काम करने की और ज्यादा जरूरत है अपने ऊपर मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। आप सभी को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जोर्स गाइस फिलहाल देखते हैं, मैं बहुत तेज बोल दिया, चलिए देखते हैं वन ऑन वन की फाइट। काफी तगड़ा मैच चल रहा है, क्या कुछ होगा इस मैच के अंदर, कौन किसका ले लेगा, कौन किसको मारेगा देखेंगे। एलिवेटर ओ भाई क्या मार दिया ये, आराम से पागल M10 आराम से, इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, सामने एलिवेटर ही है। पर एलिवेटर का नाम बहुत बड़ा है जिस हिसाब से बंदा खेलता है CS में वन ऑन वन। भाई ये मूवमेंट क्या था, ये लहरा के शॉट दे रहा है भाई, बचा यहाँ पे मुश्किल हो रही है M10 के लिए। M10 की जो पावरफुल गन थी दो शॉट अब वो नहीं चला रहे हैं, UMP पा चुके हैं, साथ में डेजर्ट ईगल ले लिया है, देखेंगे स्प्रे से कैसे रोक पाएंगे। पर एलिवेटर देखिए फुल खुला जाके रस ले रहा है, बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर रहा है, यहाँ पर वही बात करता है M10 थोड़े से यहाँ पे छागे दिख रहा है। चलिए देखते हैं एलिवेटर तैयार फिर से, एलिवेटर ओ यहाँ पर ड्रैगन ऑफ का यूज कर रहा है, और ये स्टाइल यार मेरे को सच में बहुत लुभाती है जब ये, अरे भाई क्या मार रहा है। चलिए देख लेते हैं प्लेयर्स पर से तैयार, एलिवेटर थोड़ा होल्ड कर रहे हैं। चलिए ग्लू वॉल लगा लिया एलिवेटर ने भी, सीधा रस करते हुए नजर आ रहे हैं एलिवेटर। ओ भाई कहां से धर दे रहा है हेडर ग्लू वॉल, ओ बहन कर ओए भाई क्या मार दिया यार इसने, दिल की धड़कने से रुक गई भाई, धुक 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 चल जा भाई दिल। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थोड़े से बंदे से बातें कर लेते हैं कि कहां का व्यूज के गेम प्ले में, और एलिवेटर क्या ही कमाल खेल यार लड़का कमाल। अगर एलिवेटर का चैनल चेकआउट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन जाके चेकआउट कर सकते हो आप एलिवेटर का बैटिंग गेम प्ले, वहां पर आता रहता है। अपने गेम प्ले के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, आज आपने देख लिया सामने वाले प्लेयर्स कैसे खेलते हैं। नहीं 2 finger 4 finger है, बहुत ही ज्यादा जमीन आसमान कम करे भाई। तो ब्रो देखो मोबाइल प्लेयर है, मैटर नहीं करता आप 2 पे हो चाहे 4 पे हो,
चलो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे, ठीक है M10 ब्रो, अलविदा। ठीक है, बाय ब्रो, सी यू लेटर ब्रो। गाइस तो बंदे का ये रिएक्शन था एंड में कि फोर फिंगर टू फिंगर का सीन रहा। तो आप सबको क्या लगता है कि सच में ये मैटर करता है टू फिंगर फोर फिंगर का गेम? मेरे ख्याल से तो नहीं करता है। चलिए आपसे मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल।